पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से पहुंचे और मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग अपने वाहन से आने को तरसने लग जाएंगे। हालांकि उन्हें विधानसभा में ट्रैक्टर से जाने की अनुमति नहीं मिली तो उन्होंने साफ तौर पर सुरक्षा कर्मियों से कहा कि आप बताएं हम ट्रैक्टर कहां पार्क करें और हम उसे वहीं पार्क कर पैदल ही विधानसभा चले जाएंगे। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि भारत में बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर आज बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से पहुंचे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनोज नारायण सिंह जुड़ गए हैं। जी मनोज जी, आज विधानसभा बजट सत्र का दूसरा दिन है, क्या है अपडेट? देखिए अलका, बिहार जो विधानमंडल का सत्र चल रहा है, आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन का जो आगाज हुआ, नेता प्रतिपक्ष अपने पूरे तेवर में दिखे। वो लगभग 10 बजे के करीब में अपने आवास से ट्रैक्टर से विधानसभा के लिए मार्च किए। ये एक तरह से कहा जाए तो कृषि बिल के खिलाफ उन्होंने एक पहचान के रूप में उन्होंने अपना ये मार्च निकाला था। लेकिन विधानसभा गेट पर जैसे ही उनका ट्रैक्टर पहुंचा, वहां पर जो भी सुरक्षा कर्मी थे उस ट्रैक्टर को अंदर जाने से मना कर दिया। आज यदि ये नेताओं और सुरक्षा कर्मियों के बीच में हल्की तूतीनमी भी हुई, लेकिन अंत में तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से उतर गए और अपनी गाड़ी से विधान सभा के गेट तक पहुंचे। उसके बाद में वो अंदर गए, सदन की कार्रवाई जब शुरू हुई उसके बाद में उन्होंने आज यदि के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। हालांकि सेशन शुरू होने के पहले, कार्यवाही शुरू होने के पहले ही आज यदि के विधायक और कांग्रेस के विधायक परिसर में हंगामा कर रहे थे, लगातार ये केंद्र सरकार और बिहार सरकार के खिलाफ में नारेबाजी कर रहे थे। किसानों के आंदोलन को दबाने के लिए केंद्र सरकार तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया था और कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कृषि कानून के खिलाफ में तो नारेबाजी किए ही, साथ साथ पेट्रोल और डीजल की जो दर में कीमत में जो वृद्धि हो रही है, इस महंगाई के मुद्दे पर केंद्र और बिहार सरकार के खिलाफ में ये लोग नारेबाजी करते रहे। आज यदि के नेताओं ने भी कांग्रेस के साथ दिया और कांग्रेस के नेताओं के साथ। मनोज जी, हम आपको यहाँ रोकना चाहेंगे, बजट सत्र से आम लोगों की क्या उम्मीदें रहेंगी मनोज जी? देखिए ये जो इस साल बजट जो सत्र है, जो बजट पास होने की उम्मीद जो अभी दिख रहे हैं, हालांकि अभी बजट पेश नहीं किया गया है, लेकिन ये एक संभावना व्यक्त की जा रही है कि लगभग 2,15,000 करोड़ रुपए की का ये बजट होगा। और जो बातें जो आ रही हैं उसमें महामारी प्रभाव और साथ निश्चय पार्ट टू, शिक्षा, ग्रामीण विकास, जल जीवन हरियाली, इन तमाम मुद्दों को लेकर के बजट पेश किया जाएगा। क्योंकि जो नीतीश कुमार अपनी बार अपना जो चुनावी जो घोषणा था, उस घोषणा के पत्र के मुताबिक जल जीवन हरियाली और साथ निश्चय पार्ट टू पर वो विशेष फोकस कर रहे थे, लगातार फोकस कर रहे थे। लेकिन चूंकि कोरोना काल में बहुत सारा सफर हुआ, लगभग एक तरह से कहा जाए तो बिहार का सारा तंत्र लगभग ठप हो गया था, तो इसके लिए भी ऐसा किया जाएगा कि महामारी प्रभाव से जो जो साइड इफेक्ट हुए हैं उसको रिपेयर करने के लिए भी बजट का प्रावधान किया जाएगा। साथ नीचे पार्ट टू और जल जीवन हरियाली, ये नीतीश कुमार की महत्व योजना है, ये महत्वाकांक्षी योजना है, तो ऐसी स्थिति में ये दोनों योजनाओं पर विशेष फोकस किया जाएगा। साथ साथ कोरोना काल में शिक्षा पर जिस तरह से लगाम लग गया था, स्कूल कॉलेज सब बंद कर दिए गए थे, जो युवा पीढ़ी है वो अब बैक हो गए, जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई बारिश हो गई, तो जाहिर सी बात है कि शिक्षा पर भी फोकस करने का सरकार का मंसूबा जरूर होगा। जी मनोज जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।